नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या होने लगती है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया तो गठिया का रोग बन जाता है, जिससे उठने बैठने में चलने फिरने में परेशानी आने लगती है। कुछ लोग हाई यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए दवा और रामबाण घरेलू उपाय करते हैं, पर इसके साथ रोगी को अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे में इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आहार में बदलाव व जरूरी परहेज से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड कितना होना चाहिए और इसे कैसे कम करें। शरीर में पाचन के दौरान आहार में जो प्रोटीन होता है उसमें प्यूरिन बनता है और इससे यूरिक एसिड बनता है, जो कि पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। पर जब ये शरीर में जमा होने लगता है तो तब कई समस्याएं आने लगती हैं। पुरुषों में इसका लेवल 3.4 से 7.0 mg/dl और महिलाओं में 2.4 से 6.0 mg होना चाहिए। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? हाई प्रोटीन और शुगर वाले फूड अधिक खाने से शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। जेनेटिक कारणों से भी कुछ लोगों का यूरिक एसिड हाई होता है। किडनी में खराबी के कारण भी यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और शरीर में जमा होने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ने के जो लक्षण हैं दोस्तों, जोड़ों और पैरों में दर्द महसूस होता है, पैर की एड़ियों और अंगूठे में दर्द, जोड़ों में सूजन आने लगती है, जोड़ों में गांठ पड़ती है, उठने बैठने में घुटनों व जोड़ों में दर्द होता है। तो अब जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं। विटामिन सी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से रोकता है और इसे कम करने में मदद करता है। अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर फूड और फल शामिल करें, जैसे नींबू व संतरा। नींबू पानी पीने से भी शरीर साफ होता है। पानी ज़्यादा पिएं, इससे शरीर में जमा यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालें। अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड खाएं, ये शरीर में फ्री रेडिकल्स का असर को कम करते हैं। अंगूर, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर और ब्लूबेरी में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं। लौकी का जूस हाई यूरिक एसिड को कम करने का अच्छा घरेलू उपाय है। सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का जूस पिएं। जूस को बनाते समय पुदीने और तुलसी के 5-5 पत्ते भी डाल लें। सोने से पहले रात को 1 गिलास पानी में अर्जुन की छाल का 1 चम्मच चूर्ण और 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर इसे चाय की तरह उबालें और फिर इसे छानकर पिएं। इस नुस्खे को 90 दिन तक नियमित रूप से करने पर यूरिक कैसे कंट्रोल में आने लगेगा। 1 गिलास पानी में सेब के सिरके के 2 से 3 चम्मच मिलाकर पीने से भी काफी फायदा मिलता है। गाजर, चुकंदर और सेब का जूस रोजाना पीने से पीएच लेवल बढ़ता है और यूरिक एसिड कम होता है। भोजन पकाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, यह बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकता है। नारियल पानी भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में अचूक काम करता है। तो अब जानते हैं यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए। अंडे में फैट और प्रोटीन अधिक होता है, इस रोग में प्रोटीन के सेवन से परेशानी बढ़ सकती है। बेकरी में बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल व दाल के सेवन से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। सोने से पहले रात को दाल और दूध का सेवन ना करें। ड्राई फ्रूट्स, चावल, दही, पालक और अचार का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। डिब्बा बंद आहार से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। फास्ट फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। यूरिक एसिड के बढ़ने पर नॉन वेज खाने से परहेज करें। नॉन वेज खाने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। खाना खाते वक्त पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटा पहले और बाद में ही पानी पिए। धूम्रपान और शराब में भी यूरिक एसिड बढ़ता है, इससे शरीर को नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो यूरिक एसिड बढ़ने पर आपने खानी है और जो नहीं खानी है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।